के हंसते हुए निकले दम। तेरे बंदे हम मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति। सभी बहनों को नमस्कार। मेरा नाम बिंदु देवी है, मेरे ग्रुप का नाम चिन्मय वैष्णवी है, मैं ग्रुप की सदस्य हूँ। आज के बाद जो आपने मीटिंग करनी है ना, पर्चे, ठीक है, ये हो गया हमारा आठ लाइन है, इसलिए अभी गाएंगे, उसके बाद आप कोशिश करें। तेरे बंदे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ये अभी तो इसको गाते हैं, उसके बाद आपने ये वाली अपने उसमें दो तीन स्टेप गाने, जब आप मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रुप की, तो तब गाने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद करनी है सबने, ठीक है, गाओ। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। ये जो विकास खंड तीसरा की तरफ से सीआरपी टीम आई हुई थी हमारी पंचायत बोंदेड़ी में, तो बोंदेड़ी पंचायत में इन्होंने महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया और अच्छी जानकारी दी, और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने और बुक कीपिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। और जो ग्रुप है, ग्रुप क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, ये भी बताया, क्योंकि हम तो इन महिलाओं को बहुत समझाते आए हैं, बताते भी आए हैं, लेकिन एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आप शायद ये विकास खंड तीसरा की तरफ से ये जो सीआरपी टीम आई थी, अब इस सीआरपी टीम की तरफ से ये महिलाएँ जो है अब अपने ग्रुप को आगे बढ़ाएंगी, और हम भी इनको समय समय पर सहयोग करते रहेंगे इन महिलाओं को, ताकि ये अपने ग्रुप को स्टैंड करके अपनी आजीविका के साधन ज़्यादा से ज़्यादा अपना सके, अपनी आजीविका को बढ़ा सके। और रही जो सपोर्ट की बात, तो इन महिलाओं को समय समय पर हमारी एनजीओ की तरफ से भी सपोर्ट की जाती है, और विकास खंड तीसरा तो इसमें सपोर्ट करता ही करता है, हिमाचल सरकार के हम बहुत ही आभारी है, लेकिन अब महिलाओं को ही आगे आना होगा, क्योंकि हम इन महिलाओं को तभी हम सशक्त कर सकते हैं जब ये महिलाएं खुद अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएं। तो इसी के साथ ही धन्यवाद, जय श्री राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।